महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले धार्मिक आबादी पर आई रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की इस रिपोर्ट में धर्म कांटा तेजी से झुकता दिख रहा है। और 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी में ऐतिहासिक कमी, तो मुस्लिमों की आबादी में बड़ा उछाल आने का दावा किया गया है। TISS का दावा है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं, TISS के मुताबिक साल 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 51% तक कम हो जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जो रिसर्च पेपर दिया है वो चौंकाने वाली बात है और बहुत एक गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे अगर आंकड़े मुसलमानों के बढ़े ही नहीं जब हिंदुओं की संख्या घटती है तो ये भी एक चिंता की बात है। मुझे लगता है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के धर्म कांटे को बदलने के लिए कुछ सियासी दलों का भी खेल शामिल है, यानी वोट के लालच में अवैध प्रवासियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट किया है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। इस रिपोर्ट के बाद बटेंगे तो कटेंगे से कहानी बदलकर हिंदू घटेंगे तो क्या होगा पर आ चुकी है। TISS की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा, स्वच्छता, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं भी अप्रवासियों की भीड़ से प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, अवैध प्रवासी 50% महिलाओं की तस्करी हुई है जो देह व्यापार में लगी है। इनमें से 40% अवैध प्रवासियों ने बांग्लादेश में अपने घर 10,000 से 1,00,000 रुपए तक हर महीने भेजे हैं। यानी रिपोर्ट का सार ये है कि मुंबई में सिर्फ हिंदुओं की आबादी ही तेजी से नहीं घट रही बल्कि संसाधनों पर भी कब्जा हो रहा है और माया नगरी का पैसा बांग्लादेश जा रहा है। सीधा असर शहर पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। TISS ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि साल 1961 में हिंदुओं की आबादी 88% थी जो 2001 में घट करके 66% पर ही रह गई। वहीं 1961 में मुस्लिम आबादी 8% थी जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। अब ये आप समझिए इस तरीके से, इस आंकड़े के हिसाब से, इस हिसाब से 2051 तक हिंदू 54% तक कम हो जाएंगे और मुस्लिम 30% तक बढ़ जाएंगे। तो इसके अलावा TISS के मुताबिक मुंबई में मुस्लिमों के बढ़ने का एक कारण अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, क्योंकि नारायण राणे ने जो कुछ भी कहा वो बेहद आपत्तिजनक है। सोसायटी मध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल बकरीदला, द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा। मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलले आपण। खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब, काही गोष्टी सांगण्यासारख्या नाही साहेबांच्या ज्या मायाशी बोलताना सांगायचे। असा माणूस हिंदुत्वाचा हिंदुत्वपणाला लावून मुख्यमंत्री झाला माणूस। यानी बालासाहेब के बहाने उद्धव पर निशाना साधने की जल्दबाजी में उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे महाविकास अघाड़ी बेहद गुस्से में है। नारायण राणे को गोली मारी थी क्या? नारायण राणे ने जब गद्दारी की थी, उनका शब्द ही है, मेरा शब्द नहीं है, शिवसेना का बड़ा प्रिय शब्द है, तो नारायण राणे ने जब गद्दारी की थी बालासाहेब ठाकरे से, तब बालासाहेब ठाकरे को गोली मारी थी क्या? सुबह उठकर इस तरह की बातें करना, हिंसा की बातें करना, ये ठीक नहीं है। यानी नारायण राणे के बयान पर उद्धव के नेता भले चुप रहे लेकिन सहयोगी कांग्रेस ने पलटवार में देरी नहीं लगाई। शायद इसलिए भी कहीं उद्धव के बहाने हिंदुत्व विरोधी बताने की बीजेपी की कोशिश कामयाब न हो जाए। बहरहाल इस बयान पर महाराष्ट्र में अभी और बखेड़ा होना बाकी है। महाराष्ट्र के रण में क्या ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो चुका है? क्या उलमा बोर्ड को डिमांड पर शरद पवार की रजामंदी ने चुनाव को दो धड़ों में बांट दिया? MVA वर्सेज महायुति की लड़ाई क्या अब हिंदू वर्सेज मुस्लिम पर आई? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि MBA ने उलेमा बोर्ड की जिन 17 शर्तों को माना है उनमें कुछ सीधे हिंदुओं और हिंदुत्व से जुड़ी हैं, जिनमें सबसे विवादित मांग है RSS पर बैन की। दूसरी सबसे विवादित मांग है 2012 से 2024 तक दंगा भड़काने के आरोपी मुसलमानों की रिहाई। तीसरी मांग पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों पर कानूनी प्रतिबंध का कानून बने। चौथा, मुस्लिमों को 10% आरक्षण। पांचवा, राज्य वक्फ बोर्ड को फंड जैसी 17 शर्तें हैं। इन शर्तों को मानकर MBA ने क्या तगड़ा दांव चला है या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, इसी का इम्तिहान है। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मक्तूब इसी तरह का हमें मिला है।
इन शर्तों के बदले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमबीए के लिए कैंपेन करेगा। इसी प्रचार की शुरुआत करते हुए मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने पर्चे बांटकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की शुरुआत की है। दावा है कि 400 एनजीओ इस कैंपेन में उनके साथ हैं, यानी मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसे वोट जिहाद कहकर समाज सेवा के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश बता रही है। 400 एनजीओ मुसलमानों के बीच घूम घूम कर एक पार्टी विशेष और विचार विशेष के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं, तो क्या बांटने का काम नहीं है? ये सब ये इनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हारने के अंदर जब हारते हुए देखते हैं तो इसी तरह के जहरीले बयान देंगे। यानी बात बांटने काटने तक पहुंच चुकी है और इस सियासत की काट बंटोगे तो कटोगे के मंत्र में योगी आदित्यनाथ पहले ही दे चुके हैं। अब सियासी खेल में मजहबी मेल से महाराष्ट्र का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इधर गृहमंत्री अमित शाह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए बड़ा ऐलान किया। गृहमंत्री शाह ने साफ किया है कि ना तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी और ना ही उलेमा बोर्ड की मांग स्वीकार होगी। वहीं उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया कि बीजेपी धर्म के खिलाफ आरक्षण के खिलाफ हमेशा रहेगी। जी मीडिया संवाददाता रविन्द्र कुमार के साथ चर्चा में गृहमंत्री शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उठाते पहले की परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अब घुसपैठ। देखिए, घुसपैठ बहुत गंभीर मुद्दा है देश की सुरक्षा की दृष्टि से और झारखंड की ट्राइबल माताओं बहनों की सुरक्षा के। हम सरकार में आकर पहला काम पटवारी, पुलिस स्टेशन, कलेक्टर, डीएसपी और सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, इनका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर घुसपैठ को रोकने का प्रयास करेंगे और एक कानून लाकर शादी कर दान से जो भूमि लिया है वो परत आदिवासी माताओं को दिलाने का काम करें। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी को या फिर महाराष्ट्र में जो एनजीओ के जरिए मुस्लिम समुदाय है वो पैसा भी इकट्ठा कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है कि आप आरक्षण दो तो हम आपको वोट देंगे बीजेपी के खिलाफ। देखिए, अल्पसंख्यकों का धर्म के आधार पर आरक्षण ये संविधान सम्मत नहीं है। ऐसा जब भी प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी से इसका विरोध करेगी। सर, महाराष्ट्र में तो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है एनजीओ द्वारा आपके खिलाफ। मुझे लगता है उनको मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं आने वाली। क्या होगा सर, झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र में रैली, कर्नाटक पर निशाना और तेलंगाना पर अटैक। पीएम मोदी ने आज एक तीर से कई निशाने साधे, महाराष्ट्र के वोटर्स को रिझाया तो कांग्रेस शासित राज्यों में वसूली का जिक्र कर करप्शन के जिन को विपक्ष पर छोड़ दिया। पदाधिकारियों को और कहा, जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। पुष्पहार से स्वागत करें। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। विपक्ष पर हमला तो जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने में भी मोदी पीछे नहीं रहे। गरीबों को पक्के घर का वादा, अकोला की जनता का दिल जीत लिया। और कहीं जाते हुए आपको नजर आए कि कोई परिवार अभी भी झोपड़ी में रह रहा है, कोई परिवार अभी भी कच्चे घर में रह रहा है, तो उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको बता दीजिए कि मोदी जी ने मुझे भेजा है, तुझे पक्का घर मिलेगा। यानी मोदी के पक्के घर की गारंटी को वोट की गारंटी में बदलने का काम अब ग्राउंड पर मौजूद कैडर का है। देखना होगा पीएम मोदी के जनता से वादे, एमबीए पर करप्शन के आरोपों पर विपक्ष किस तरह पलटवार करता है। पीएम मोदी ने रैली में एटीएम और कैश का जिक्र किया तो चलिए अब कैश कांड की बात भी कर लेते हैं। आचार संहिता के बीच में महाराष्ट्र में कैश सप्लाई बढ़ गई है। इस बीच चेकिंग के दौरान पुलिस ने पालघर में एक गाड़ी से करोड़ों रुपए जब्त किए। ये कार विक्रमगढ़ जा रही थी।
पुलिस के मुताबिक पालघर के वाड़ापाली मार्ग से विक्रमगढ़ की ओर जा रही कार को रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ की गई। इस दौरान संदेह बढ़ने पर कार को वाड़ा पुलिस स्टेशन लाया गया और जांच की गई। जांच के दौरान कार में करीब 3,70,00,000 रुपए बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक नवी मुंबई के एरोली से नकदी लेकर गाड़ी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जाने वाली थी। इससे पहले शुक्रवार को मुंबई में करीब 2 करोड़ कैश बरामद हुआ था और 12 लोगों को हिरासत में लिया गया था। आयकर विभाग को बरामदगी के बारे में जानकारी दी गई और मामले की जाँच चल रही है। यूपी उपचुनाव की जंग रोमांचक मोड तक पहुंच चुकी है। इधर सपा पोस्टर वार छेड़ रही है, उधर सीएम योगी अखिलेश के गढ़ करहल में दहाड़ते नजर आए। वो गढ़ जहां से कभी मुलायम सिंह यादव जीतते रहे, फिर विरासत की सीट से अखिलेश यादव जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन बीजेपी के गेम ने यहां मुकाबला फूफा भतीजे का बना दिया। ऊपर से योगी की हुंकार ने करहल का सियासी पारा और हाई कर दिया। एक एक लाख रुपए देने की जो बात कही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, आज कहां वो पैसा है। यानी सीएम योगी ने सबसे पहली चोट राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर की और दूसरा वार सीधा अखिलेश यादव पर, उसमें भी हिंदुत्व की दुखती रंग। बटिए मार बटे थे तो कटे थे, मैं इसी में बार बार कहता हूँ, देश का इतिहास बताता है बटे थे तो राम मंदिर का मान हमें झेलना पड़ा था। यानी अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी मुलायम सरकार में कार सेवकों पर चली गोलियां याद दिला रहे थे, राम मंदिर की याद दिला रहे थे। उनके इन बयानों से अखिलेश यादव को चोट तो लगनी ही थी। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। यानी अखिलेश यादव ने तो सीधे चुप रहने की नसीहत ही दे डाली। वो अलग बात है कि पूरा करहल आज योगी योगी चिल्ला रहा था। बहरहाल गढ़ बचाने की चुनौती और किला फतह करने का प्रण द्वंद दोनों ओर से अब तेज हो चुका है। जनता भी सियासी द्वंद का भरपूर आनंद ले रही है। इधर उपचुनाव में प्रचार के लिए अलीगढ़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से कर रहे। तो एक तरफ जुबानी जंग चल रही है तो दूसरी तरफ पोस्टर वॉर तेज हो गए हैं। न बटेंगे न कटेंगे वाले में घिरा विपक्ष अब नारे पर नारे दे रहा है, लेकिन योगी के उस बयान की कांट नहीं खोज पाया। तभी से सपा और सपाई हर दिन नया नारा नया पोस्टर लेकर लखनऊ की सड़कों पर आ जाते हैं और सुबह होते ही पोस्टर बदल जाता है, नारे का सुर बदल जाता है। जरा देखिए तो सही, पोस्टर नंबर 1 जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पोस्टर नंबर 2 न बटेंगे न कटेंगे पीडीए के संग रहेंगे, पोस्टर नंबर 3 न बटेंगे न कटेंगे एक है और एक रहेंगे, पोस्टर नंबर 4 जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। और न जाने कितने पोस्टर्स के बीच आज लखनऊ की सड़कों पर नया पोस्टर दिखाई दिया जिसमें नारा लिखा था जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी तमाम पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी लगातार पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और रोज पोस्टर्स के जरिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो उपचुनाव की जंग को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। और ये सब योगी के उस बयान के बाद हो रहा है जब योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। पोस्टर वॉर के इस चक्रव्यूह में घिरी सपा बार बार आसमान में तीर छोड़ती है और वापस अपने ऊपर ही गिरा लेती है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक पोस्टर लगाया था कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, इनके नेता मठाधीश को माफिया बोलते हैं, इनके यहाँ कहा जाता है कि हिंदू धर्म धोखा है। आज समाजवादी पार्टी महाभारत गीता कृष्ण जी और अर्जुन जी के पोस्टर लगाने पर उतर आई है, तो ये सियासी धर्मांतरण का सबसे बड़ा परिचायक है। सवाल ये है कि क्या बार बार बदलते नारे और पोस्टर उपचुनाव में विपक्ष की छटपटाहट दिखा रहे हैं? क्या सपा और अखिलेश यादव योगी के बटेंगे तो कटेंगे की काट को नहीं खोज पाए हैं? आखिर बार बार बदलते नारों से सपाई संदेश क्या देना चाहते हैं? यूपी
उपचुनाव में अष्टभुज वर्सेस चक्रव्यूह वाले प्लान में सीधी टक्कर है। एक तरफ योगी, दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी अब मैदान में हाथ आजमा रहे हैं। इसके लिए इंडिया गठबंधन ने खास रणनीति तैयार की है और बीजेपी को घेरने के लिए चौतरफा प्लान बनाया है। रणनीति के तहत विपक्ष का खास फोकस एससी एसटी वोट बैंक पर है, आधी आबादी पर नजर है। साथ ही अखिलेश और राहुल गांधी एकजुटता का मैसेज देंगे और सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार करेंगे। इन सब के अलावा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा रैली भी देखने को मिलेगी। इंडिया गठबंधन के दोनों दल सपा और कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ तमाम रैलियां करेंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अलग अलग वर्गों को साधने के लिए टीमों को लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यूपी उपचुनाव में वो पूरी तरह से सपा प्रत्याशियों के लिए कैंपेनिंग करने वाले हैं। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, जिसका रोड मैप तैयार हो चुका है। हमारे सभी नेता संयुक्त रैली करेंगे और शीघ्र ही करेंगे। श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लिए ये सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि 27 का सेमीफाइनल है, जिसे जीतने के लिए प्लान तैयार हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो रही है और बड़े बड़े नेता अब मैदान में उतर कर दो दो हाथ की कवायद में जुट गए हैं। यूपी में उपचुनाव से ठीक पहले सियासी पोस्टर की डिमांड तेज हो गई, जिसमें बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी के नेता अलग अलग कंटेंट के साथ पोस्टर छपवा रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में अखिलेश का जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे का नारा दिया जा रहा है और लखनऊ की सड़कें भी इन्हीं सियासी पोस्टरों से पट चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पोस्टर वॉर जारी है और तमाम सड़कों पर इस वक्त पोस्टर दिखाई पड़ रहा है। सपा दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग नेता कार्यकर्ता पोस्टर्स लगाते हैं, पोस्टर के जरिए संदेश दिए जा रहे हैं। इन पोस्टर्स के भले ही सियासी मायने हो, लेकिन इसका सीधे तौर पर पोस्टर छापने वाले को फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर लगी इन दुकानदारों का कहना है कि उनके पास अलग अलग तरीके के डिमांड आ रही हैं। सियासी भी आते हैं और स्थानीय नेता भी आते हैं और हर तरीके के लोग आते हैं और जो अपने पोस्टर लगवाते हैं, और सबसे ज्यादा सपा के ही हमारी नजर में लग रहे हैं। जब से बटेंगे तो कटेंगे पर राजनीति शुरू हुई है, पोस्टर छापने वालों की चांदी है क्योंकि उनके पास अलग अलग तरीके के पोस्टर की डिमांड इन दिनों बढ़ चुकी है। हर तरीके के लोग आ रहे हैं, हर कोई अखिलेश जी के साथ में फोटो लगाना चाह रहा, कोई नेता जी के साथ में फोटो लगाना, हर तरीके से छोटे से लेके बड़े क्लाइंट हर कोई आता है और हर कोई होल्डिंग लगवाना ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़े पोस्टर वॉर के बाद तेजी से डिमांड बढ़ी है, जिसका सीधे तौर पर फायदा दुकानदारों को हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने वाली समाजवादी पार्टी में अब रामलला को लेकर आवाज उठने लगी। एसपी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह पार्टी की मंशा के खिलाफ अयोध्या में राम मंदिर तक पदयात्रा निकालेंगे। और 11 नवंबर से कई बड़े बीजेपी नेताओं और संत समाज के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि राम मंदिर बनते ही प्रण लिया था और पत्र भी लिखा था कि रामलला के दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन पार्टी की मंशा नहीं थी और अब उन्होंने पैदल अयोध्या जाने की बात कही और सोशल मीडिया पर अपनी इस पद यात्रा का पूरा रूट साझा किया। मैंने संकल्प लिया था कि अब प्रभु राम का जब भी दर्शन करूंगा तो अपनी जन्मभूमि से प्रभु राम की जन्मभूमि तक पैदल ही दर्शन करूंगा। इस यात्रा को लेकर हाल ही में विधायक राकेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे। राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से एसपी विधायक हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अयोध्या में विराजमान रामलला के लिए गर्म वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इसमें लद्दाख की पश्मीना शॉल और उत्तराखंड के ऊनी कपड़े हैं, जिसे प्रभु के बाल स्वरूप को पहनाया जाएगा। क्योंकि ठंड का दौर शुरू हो रहा है, इसीलिए रामलला के लिए मौसम के अनुकूल वस्त्र तैयार कराए जा रहे हैं। हालांकि रामलला के वस्त्रों का रंग दिन के हिसाब से पहले से तय है। अब जैसे ये ठंड की दस्तक हुई है, देवउठनी एकादशी के बाद रामलला आपको ऊनी अंगवस्त्रों में नजर आएंगे। इसकी शुरुआत पहले अंगवस्त्रों के साथ होगी, उसके बाद रामलला के लिए शॉल, कंबल, चादर भी ऊनी मंगाए जाएंगे। अयोध्या में रामलला बाल स्वरूप में विराजमान है। उनकी सेवा एक बालक की तरह हो रही है। उनके खान पान से लेकर वस्त्रों का खास ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही प्रसाद और भोग सामग्री में भी बदलाव किया गया है। अब गर्म जल से स्नान कराया जा रहा है, भोग में दही बंद कर दिया गया है, रबड़ी का भोग लगाया जा रहा है, खीर और सूखे मेवा का भोग लग रहा है।
खासकर सर्दियों में प्रभु को ठंड न लग जाए इसके लिए गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं और ठंडी तासीर वाले भोग बंद कर दिए जाते हैं। इधर कृष्ण जन्मभूमि पर रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दे दिया। रामभद्राचार्य ने कहा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि का फैसला नहीं आ जाता है तब तक मैं किसी भी कृष्ण मंदिर नहीं जाऊंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोर्ट मुझे बुलाएगा तो मैं कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में दस्तावेज भी पेश करूंगा। जब तक कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं आ जाता हमारे अनुकूल तब तक किसी भी कृष्ण मंदिर में मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। कोर्ट न्यायालय भी मुझे बुलाकर मैं साक्ष्य देने जाऊंगा। आपको लगता है कि इसमें जल्दी सफलता मिलेगी? बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। पीओके हमारा है का नारा अब साधु संत लगा रहे हैं। कथा में भक्ति के साथ हिंदुस्तान की शक्ति का उद्घोष हो रहा है और हनुमान के नाम पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है। इस बार जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पीओके पर विस्फोटक बयान दिया और साफ कर दिया, पाकिस्तान ने जो कश्मीर हड़पा हुआ है वो हमें वापस चाहिए। इसके लिए हम 125 करोड़ आहुति हनुमान जी को डालने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान द्वारा हथियाया हुआ कश्मीर हमें मिले इसी के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। हम 125 करोड़ आहुति हनुमान जी को डालेंगे। रामभद्राचार्य ने ये नारा उस वक्त दिया है जब पाकिस्तान की सीमा से घुसकर आतंकवादी कश्मीर में दहशत फैला रहे हैं, जिसका जिक्र बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यूएन के मंच पर भी किया, साथ ही पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा पर निशाना साधा। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज इज एंड विल रिमेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत का स्टैंड क्लियर है। ऐसे में जिस तरह अब हर मंच से पीओके के लिए आवाज बुलंद हो रही है वो आतंक समर्थित पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है। छत्तीसगढ़ के मंत्री राम विचार नेताम ने इन दिनों चर्चा में हैं। उनके एक वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है जिसमें वो पत्नी के साथ चना भूजते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर छठ त्योहार के दौरान की है जब मंत्री जी सड़क किनारे एक ठेले पर चना भूजने लगे, तभी पास खड़े लोग काफी उत्सुकता से ये नजारा देख रहे थे। हालांकि इस वीडियो में तब और रोमांच बढ़ गया जब मंत्री जी की पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया और खुद कलछी पकड़े चने भूजने लगी। इस दिलचस्प नजारे को वहां मौजूद किसी ने अपने फोन में कैद कर लिया जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर बलरामपुर के रामानुजगंज इलाके की है जहां कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम अपनी पत्नी के साथ छठ घाट का मुआयना करने गए थे, लेकिन इस दौरान उनका देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में समोसे का मैटर सियासी हो गया है। मुख्यमंत्री सुखू के लिए लाए समोसे को खाने वालों के पीछे सीआईडी पड़ गई और इसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन की ये तस्वीरें शिमला की है जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम सुखू के पोस्टर को समोसा खिलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुखू सरकार में समोसा स्कैंडल पर बवाल मचा तो विपक्ष ने भी इसे हाथों हाथ ले लिया। बीजेपी युवा मोर्चा ने समोसा मार्च निकाला और सीएम सुखू के पोस्टर को समोसा खिलाया। दरअसल 21 अक्टूबर को सीएम सुखविंदर सिंह सुखू सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। सीएम साहब के लिए समोसे मंगवाए गए थे लेकिन सीएम सुखू की टेबल तक समोसे पहुंचने से पहले ही गायब हो गए और हंगामा मच गया, जिसके बाद समोसे की जांच सीआईडी को सौंपी गई और यहीं से हिमाचल की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में और भी कई मुद्दे हैं लेकिन कांग्रेस सरकार समोसे गायब होने की जांच करा रही है। सीएम सुखू के समोसे क्या गायब हुए, बवाल ही मच गया। उधर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में समोसा पार्टी कर मुद्दे को और हवा दे दी। हिमाचल में कई और मुद्दे हैं लेकिन उन मुद्दों पर समोसा पॉलिटिक्स भारी है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि समोसे पर इतना हंगामा क्यों बरपा है, आखिर समोसा गुम होने पर सीआईडी जांच की जरूरत क्या है। राजस्थान में सरकारी कॉलेजों के मेन गेट और गैलरी को भगवा रंग में रंगने का आदेश जारी किया गया था जिसकी शुरुआत अजमेर से हुई। और सरकारी कॉलेज के मेन गेट को भगवा रंग से रंग दिया गया, इसके पीछे सरकार की तरफ से बेहद चौंकाने वाला तर्क दिया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कॉलेजों में पॉजिटिविटी, गुड हाइजीन और एजुकेशनल एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। भगवा रंग से पॉजिटिविटी आती है।
राजस्थान सरकार ने फर्स्ट फेज में 20 कॉलेजों को ये आदेश जारी किया है, जिसमें कॉलेज बिल्डिंग के सामने वाले एरिया और एंट्रेंस हॉल का रंग व्हाइट गोल्ड और ऑरेंज ब्राउन करने के बारे में कहा गया है। बताया गया है कि इन कॉलेजों में काम पूरा होने के बाद बाकी कॉलेजों में पेंटिंग कराने का आदेश जारी किया जाएगा। प्रदेश की उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अब भजन लाल सरकार ने एक नया प्रयोग किया है। पिछले दिनों कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत तमाम जो सरकारी महाविद्यालय हैं, उनके प्रमुख जो प्रवेश द्वार हैं, उनके रंगों को केसरिया और सफेद रंग से निकालने के आदेश जारी किए गए। जिस तरह अजमेर के इस गवर्नमेंट कॉलेज का भगवाकरण किया गया, उस लिस्ट में 19 और कॉलेज हैं, जिसे जल्द ही व्हाइट और ऑरेंज रंग से रंगा जाएगा और फिर फर्स्ट फेज के रिस्पॉन्स के बाद सेकेंड फेज की शुरुआत होगी। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। चाहे घर हो या बाहर, हर इंसान मोबाइल और सोशल मीडिया की कैद में है। अब इस बदलते डिजिटल युग पर सीएम योगी ने चिंता जाहिर की है, क्योंकि जो आपके और आपके बच्चों के लिए फेवरेट टाइम पास है, जिसके इस्तेमाल के बिना आप एक पल भी नहीं रह पाते, उस टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन का गुलाम बन जाना किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं, और यही मैसेज सीएम योगी ने दिया है। हम लोग जिस डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें ये अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए और हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। सीएम योगी का मैसेज इसलिए भी खास है क्योंकि हिंदुस्तान में फोन की लत बाकी देशों से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एक शख्स प्रतिदिन 3.2 घंटे फोन चलाता है। भारत में आंकड़ा वैश्विक औसत से ज्यादा 4.5 घंटे है, तो स्मार्टफोन की लत सबसे कम जापानियों में 1.4 घंटे है। रिसर्च और एक्सपर्ट बताते हैं कि सोशल मीडिया की लत और ज्यादा वक्त फोन से चिपके रहने की आदत आंखों से लेकर बाकी शरीर और दिलो दिमाग के लिए भी नुकसानदेह है, और इसी की चिंता यूपी के मुख्यमंत्री भी जता रहे हैं। अपनी दीनी तालीम के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद दारुल उलूम देवबंद अब महिलाओं के एंट्री से बैन हटा चुका है। इस फैसले के बाद अब दारुल उलूम देवबंद में महिलाएं भी जा सकेंगी। दरअसल 17 मई 2024 को दारुल उलूम प्रबंधन ने महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया था। ये रोक इसलिए लगाई गई थी कि महिलाएं अंदर जाकर वीडियो और रील बनाती थी, जिससे दारुल उलूम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही थी। जिसके बाद दारुल उलूम प्रबंधन समिति ने महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी, लेकिन अब ये बैन हटा दिया गया है। देवबंद में महिलाओं की एंट्री नवंबर से शुरू हो जाएगी और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं को प्रवेश करने के लिए नियम कायदों का पालन करना होगा। मजलिसे सूरा में मामला विचार के लिए भेजा गया है। सूरा ने महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी। महिलाओं को पर्दे का पालन करना होगा। प्रवेश कार्ड के माध्यम से ही एंट्री होगी। वीडियोग्राफी और रील बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। महिलाओं को पति के साथ एंट्री दी जाएगी। 2 घंटे का विजिटर पास बनाया जाएगा। संस्था के परिसर में बैठकर खाना खाने पर रोक, यानी अब महिलाएं दारुल उलूम में एंट्री कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए शर्तें लागू हैं। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर बनी हुई है। हवा में घुले प्रदूषण वाले जहर से दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है। धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली पर सांसों का गंभीर संकट छाया है। खतरनाक हो चुके प्रदूषण से दिल्ली NCR का बुरा हाल है। शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है। ये तस्वीरें आर के पुरम इलाके की हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ घना कोहरा छाया है। स्मॉग की चादर ने ऐसा डेरा डाला है कि पूरा इलाका धुंध की आगोश में है। अब जरा आउटर रिंग रोड का हाल भी देख लीजिए। दूर दूर तक सिर्फ धुंध और स्मॉग ही नजर आ रहा है। आलम यह है कि सड़क पर दौड़ते वाहनों को दिन में भी हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ रही हैं। अक्षरधाम के पास का नजारा भी कुछ कुछ ऐसा ही है। यहाँ सुबह धूप तो निकली, लेकिन स्मॉग के आगे सूरज की किरणें भी बेबस नजर आई। प्रदूषण से दिल्ली की हवा ही नहीं, पानी भी जहरीला हो गया है। ये देखिए, यमुना नदी में जहरीले झाग का सैलाब आया है। ऐसा लग रहा है कि यमुना के पानी पर कपास की खेती हुई है। कुल मिलाकर दिल्ली के कोने कोने में प्रदूषण की स्ट्राइक है, लेकिन इस पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सोचिए, देश की राजधानी में अभी ठीक से ठंड का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है और दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज राजधानी दिल्ली में ओवरऑल AQI 361 पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आपको अब दिखाते हैं कि दिल्ली में किस इलाके की हवा कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। शुरुआत अलीपुर से करते हैं। अलीपुर में AQI 388 रहा। आनंद विहार में 394,
अशोक विहार 385 और बवाना में तो 400 पार कर चुका है। जहांगीरपुरी में प्रदूषण का स्तर 390 रहा, जबकि नरेला में 392 पहुंच गया ये, और नेहरू नगर में 393, साथ ही मोतीबाग में AQI 403 तक जा पहुंचा। पटपटगंज में 388 और रोहिणी में 400 पार पहुंच गया। विवेक विहार और वजीरपुर में भी प्रदूषण का स्तर 400 था। तो आलम यह है कि दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर इस वक्त बन चुका है। पाकिस्तान रिकॉर्ड बनाने में माहिर है, कंगाली के रिकॉर्ड में नंबर वन पर है, भीख मांगने के रिकॉर्ड में अव्वल दर्जे पर है, आतंक के रिकॉर्ड में तो फर्स्ट है पाकिस्तान शुरू से ही। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने प्रदूषण का भी रिकॉर्ड बना दिया, जहां AQI 2000 के पार पहुंच चुका है। ये वीडियो लाहौर का है, जहां पूरा शहर ही धुंध की चादर में लिपटा हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम है। पाकिस्तान के मुल्तान में तो AQI 2100 के पार चला गया है, यानी कि दिल्ली से करीब 6 गुना ज्यादा, यानी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इस वक्त पाकिस्तान का लाहौर है। पाकिस्तान में प्रदूषण के हालात इतने खराब हैं कि सूरज के दर्शन भी नहीं हो पा रहे। बाहर की हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, किसी को खांसी आ रही है तो किसी का दम घुट रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। मुल्तान में AQI 2135 है, लाहौर में AQI 1900 है, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के पंजाब में हालात ऐसे हैं कि स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रदूषण रोकने के लिए नाकाम सरकार को लाहौर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है और 8 बजे के बाद दुकानें बंद करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के लोगों का जीना मुहाल हो गया है, कभी महंगाई की मार तो कभी सड़कों पर लड़ाई, और अब सांसों के लिए जंग। पाकिस्तान के लोग जाए तो जाए कहां। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर ढाका की सड़कों पर फिर प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। राजधानी ढाका की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ आया। हजारों की तादाद में BNP के समर्थक सड़कों पर उतर आए और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने लगे। लोगों में इतना गुस्सा है कि प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना का डमी बनाकर पिंजरे में कैद किया और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस रैली में महिलाएं भी शामिल हुई। युवाओं ने लाउडस्पीकर पर नारेबाजी की। BNP के कार्यकर्ताओं ने सहयोगी समूहों के साथ ढाका की सड़कों पर पैदल मार्च निकाला और नए सिरे से चुनाव कराने की भी मांग की। राजधानी ढाका की सड़कों पर BNP की रैली देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। यूनुस सरकार और सेना की ओर से भी कट्टरपंथियों को समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद तो खुलेआम धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथियों की रैली में हिंदुओं को मारने और जिंदा जलाने तक के नारे लग रहे हैं। मंदिरों को तबाह करने की चेतावनी दी जा रही है और स्कॉन मंदिर को गिराने के लिए उकसाया जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने इस्कॉन के खिलाफ प्रदर्शन के साथ ही हिंदू मंदिरों को जलाने की धमकी दी। हजारों की संख्या में कट्टरपंथी हिंदुओं की हत्या करने और मंदिरों को जलाने के नारे लगा रहे हैं और गलियों में जुलूस निकाल रहे हैं। एक तरफ धमकी तो दूसरी तरफ हिंदुओं पर जुल्म की ये तस्वीर बीते 5 नवंबर की है। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं के साथ हुई भयानक बर्बरता की जा रही है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार हिंदू समाज के खिलाफ कितनी बेरहम होती जा रही है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। कैसे हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था, जबरदस्त मारपीट की गई। ये पूरा मामला इस्कॉन के खिलाफ एक विवादित पोस्ट से जुड़ा था, जिसके खिलाफ हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा था। और अब इस्कॉन मंदिर को तोड़ने और कत्लेआम की धमकी से एक बार फिर बांग्लादेशी हिंदू खतरे में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया। शुक्रवार रात रामलीला का मंचन छोड़कर के कलाकार थाने पर पहुंच गए। कलाकारों ने पात्रों की ड्रेस में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। राम लक्ष्मण और सीता का पात्र निभाने वाले कलाकारों ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर कोतवाली का घेराव किया। कलाकार लोगों के साथ थाने में ही धरने पर बैठ गए और हंगामा करने लगे। कलाकारों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। यही नहीं, नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और सड़क पर ही प्रदर्शन करने लगे। दरअसल तिलहर के दोदराज इलाके में 100 साल पुरानी रामलीला का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान डांस पार्टी में बार बालाएं अश्लील डांस करने लगी।
इसकी शिकायत पर नगरपालिका के सभासदों ने पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने डांस पार्टी को बंद करवा दिया। लेकिन डांस पार्टी बंद होते ही नाराज आयोजकों ने मेला बंद करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद लोग भड़क गए और हंगामा हो गया। नतीजा ये हुआ कि राम लक्ष्मण और सीता का पात्र निभाने वाले कलाकार सैकड़ों लोगों के साथ थाने का घेराव करने निकल पड़े। आयोजकों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में डांस हो रहा था, लेकिन पुलिस ने मनमानी करके डांस बंद करवाया। देर रात तक हंगामा चलता रहा, हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह से इस मामले को शांत कराया। छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा को अनोखे ढंग से मनाया गया। यहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पुरोहितों ने खौलते हुए दूध से स्नान किया और मिट्टी की हांडी में चढ़े खौलते दूध से नहलाया गया। बच्चे ने दूध को खुद अपने ऊपर डाला। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे यादव समाज के प्रमुख के साथ साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल विजयनगर गांव में सर्व यादव समाज ने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया था। गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की गई। वहीं इस बार यह आयोजन और भी खास बन गया, जब पूजा के दौरान बनारस से पहुंचे पुरोहित ने खोलते हुए दूध से स्नान किया। वहीं छोटे छोटे बच्चों को भी स्नान कराया गया। खोलते दूध से स्नान करता देख लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। पुरोहितों का मानना है कि इन कर्तव्यों में भगवान की शक्ति और लीला का दर्शन होता है और लोग भगवान की दिव्य शक्ति का अनुभव करते हैं। बिहार के मोतिहारी में अब पुलिस ही खतरे में आ गई। मोतिहारी एक के बाद एक लगातार पुलिस पर हमले की तीसरी घटना मोतिहारी में हुई है। जब मलाही थाने की पुलिस सड़क का जाम खत्म करवाने पहुंची तो एक बार फिर अटैक हुआ। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची, ग्रामीणों ने दौड़ाकर पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी और पुलिस की गश्ती गाड़ी को पलटने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस को वहां से भागना पड़ा। पुलिस की गाड़ी तो भाग गई, लेकिन दो पुलिसकर्मियों को गांव वालों ने घेर लिया, उनके साथ गाली गलौज की और काफी देर तक धक्का मुक्की करते रहे। भीड़ से खुद को बचाने के लिए पुलिसकर्मी ने अपनी गन निकाल ली, जिसके बाद भीड़ तीतर बितर हुई। दरअसल एक गाड़ी ने तीन लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें घायल लोगों के परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया था, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी और ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। यूपी के श्रावस्ती से भी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां यूपी पुलिस का सिपाही पिट गया। जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक शख्स सिपाही को पकड़ लेता है और पीछे की ओर धक्का देता नजर आया। इतना ही नहीं, शख्स सिपाही को थप्पड़ भी मारता है। वहीं आरोपी के साथ मौजूद एक दूसरा शख्स भी पुलिस के साथ बदसलूकी करता है और उसको गाली देता है। वीडियो श्रावस्ती के भिनगा इलाके का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भिनगा के ईदगाह तिराहे पर कल रात दो लोगों के बीच आपस में गाड़ी टकराने को लेकर कुछ कहासुनी हो रही थी। तभी ड्यूटी पर तैनात सिपाही वहां पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। तभी एक पक्ष पुलिस से ही भिड़ गया और सिपाही से मारपीट और गाली गलौज करने लगा। फिलहाल पुलिस ने सिपाही की तहरीर पर एक नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। सरकारी अमला अतिक्रमण के नाम पर कई बार इतनी बर्बरता कर देता है कि देखने वालों की भी रूह कांप जाए। एमपी के सीधी में जंगल की जमीन पर बने घरों को हटाते वक्त कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब घर तोड़े जाने का विरोध कर रही महिला और पुरुषों पर वन विभाग और पुलिस का कहर टूटा। जब किसी के सपनों का घर टूटता है तो कुछ ऐसी ही वेदना उठती है और घर बचाने की पुरजोर कोशिश भी, लेकिन इसी कोशिश ने सीधी के जंगलों को खाड़ा बना दिया। जरा तस्वीरों में देखिए, एक एक शख्स पर कई कई वर्दी वाले टूट पड़े हैं। जिसने भी विरोध में आवाज बुलंद की, वर्दी की ताकत से उसे चुप कराया जा रहा है। आरोप है कि वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर ग्रामीणों पर वो बर्बरता की, जिसके जख्म उनके जिस्म से अब तक मिटे नहीं है। जबकि वन विभाग का दावा है कि ये घर जंगल की जमीन पर बने थे। जाहिर सी बात है, अतिक्रमण है तो हटेगा ही, लेकिन इससे बर्बरता की इजाजत तो नहीं मिल जाती। बर्बरता भी ऐसे, पहले दम भर पीटा, फिर मुर्गा बनवाकर महिलाओं और पुरुषों से कुकड़ू कू करवाया गया। यानी वन विभाग नहीं, जंगली विभाग बन गया, जिसने संविधान से मिली ताकत के दम पर मौलिक अधिकारों को ही कुचल कर रख दिया। ऐसे आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने जंगल की जमीन बताकर उनके घर तोड़े, परिवार के लोगों और महिलाओं से बर्बरता की और ये सब गांव के ही एक शख्स के इशारे पर हुआ। सवाल ये है कि बेघर हुए लोग अब सिर छिपाने के लिए कहां जाएं? दिल्ली में एक बार फिर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। अपराधियों ने बेखौफ होकर के फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है।
बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग की। ये वारदात दिल्ली के वेलकम और करदमपुरी इलाके की है, जहां 3-4 की संख्या में बेखौफ अपराधियों ने घर के बाहर लगातार कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। अपराधियों की फायरिंग की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। 3 की संख्या में अपराधी पहले आराम से घर के आसपास घूमते हैं, फिर मौका देखते ही एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग करते हैं। पहली घटना दिल्ली के वेलकम इलाके की है, जहां फायरिंग में नदीम नाम के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद बेखौफ अपराधियों ने कारदामपुरी में ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधियों ने एक घर के बाहर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक एक गुट के बदमाशों ने दोनों वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और फरार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। Zee News.